हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। तो आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है, बट उन लोगों के रिव्यूज है जो हमारे यहाँ से ठीक होते जा रहे हैं, तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। आराम से वीडियो को देखेगा और रिव्यूज को सुनेगा। कुछ लोगों के चेहरे हमने ब्लर किए हैं, उसका रीजन ये है कि वो लोग कंफर्टेबल नहीं है, बट शायद कहते हैं ना कि शब्द जो होते हैं ना उसका ही असर बहुत ज्यादा होता है। तो आप शब्दों पर ध्यान दीजिएगा और आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलने वाला है। तो ये मैम हैं, मेरे पेशेंट हैं ऑलरेडी। इनका नवारा ट्रीटमेंट चल रहा था, रेगुलर इनकी 10 सिटिंग्स ओवर हुई हैं। आज 10 सिटिंग है और इंटरनल मेडिसिन, तो इनका भी फर्स्ट मंथ ओवर हुआ है। तो मैम आप बता दीजिए, इनका पूरा फोरहेड भी ब्लैक था और पूरा चीक्स पे थी। अभी इनका पूरा फेस अप्रॉक्स 80% क्लियर हो गया है। हम मैम के पास आए थे अप्रॉक्स 1 मंथ अगो आए थे, तो मम्मी का ये पूरा ब्लैक था, यहाँ से ये पूरी पिगमेंटेशन पूरी थी, मतलब वो नहीं पता शायद सनलाइट मतलब कुछ भी था उसकी वजह से ये पूरा था। लेकिन फिर मेडिसिंस ली, नवारा ट्रीटमेंट हुआ, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क हुआ है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेड हो गया ये चीज़ बहुत फेड हो गई है और अभी कंटिन्यू चलेगा, मतलब कि पूरा क्लियर मतलब हो गया है। ऑलमोस्ट 90% रिजल्ट हो गए हैं, बस 10% बचा है, वो भी मैम कर देंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। तो मैं मैम का थोड़ा फेस दिखा देती हूँ। अभी इनका पूरा फेस ही पिगमेंटेड था और अभी पूरा फेस क्लीन हो गया है। थैंक यू मैम। हमेशा ना मैं आपको उन पेशेंट से मिलवाती हूँ जिनका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो आज मैं उन पेशेंट से मिलवा रही हूँ जिनका मैंने कोविड से पहले 3 ईयर्स पहले ट्रीटमेंट किया था। तो इनका नेम राजवीर है और इनका, जिन लोगों को ये मिथ था कि पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो सकता, मेलाज्मा ठीक नहीं हो सकता, तो आज आप इनसे मैं रिव्यू शेयर करवा रही हूँ। ये बिल्कुल जहाँ क्लिनिक है वहीं पर रहते हैं, राजवी ने मैं, तो आप अपना बताओ मैम। हेलो मैम, मैंने 3 साल पहले मैम से ट्रीटमेंट करवाया था। मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन थी, यहाँ पे अभी हल्की सी रहती है। ये तब भी इतनी रह गई थी ट्रीटमेंट के बाद, जो मैंने कहा बीच में छोड़ दिया था। अभी मैं नहीं ले रही हूँ ट्रीटमेंट, 3 साल हो गए मेरे को ट्रीटमेंट छोड़े हुए, तो मेरी यहाँ पे कोई भी, इनका पूरा फेस जैसे था एज इट इज है। और आप ये बताओ कि कितने, मतलब लगभग आप 2.5 साल हो गए आपने कोई मेडिसिन कुछ नहीं, भी नहीं लिया है, तो मतलब आप मानते हो कि पिगमेंटेशन आयुर्वेदा से जा सकती है? जा सकती है मैम, बिल्कुल जा सकती है। और इससे पहले का आपका कैसा एक्सपीरियंस है जब आप एलोपैथी ले रहे थे? एलोपैथिक मैम मैंने काफी ट्राई की, तो उसमें लगाने के लिए दिया विटामिन्स, मल्टी विटामिन्स दिए, तो जितनी देर यूज कर रही थी उतनी देर उससे फर्क था। अभी जैसे मैंने आयुर्वेदा छोड़े हुए मेरे को 2.5-3 साल हो गए हैं, तो अभी भी फेस वैसे का वैसा है, तो बड़ा नहीं है मेरा मेलाज्मा। थैंक यू। तो ये पूनम है मेरे पेशेंट, और पूनम की आज 10 सिटिंग कंप्लीट हुई है। तो पूनम आप अपना एक्सपीरियंस बताओ। मैम एक अभी बाकी, अभी अच्छा एक बाकी है, 9 बाकी, 9 हुई है। ठीक है, मेरे को बहुत मतलब अच्छा फील हो रहा है वैसे तो, मतलब बहुत, मतलब पहले तो बहुत ज़्यादा ब्लैक थी, अब तो कमी हुई है मेरे। कितना आपको कितना परसेंट लग रहा है कि मेरे को 70% बेटर है जी? ऑलमोस्ट मैं दिखाती हूँ, इनके बहुत ज़्यादा स्कार थे और इनके अंदर पूरा मेलाज्मा खुल था। मैं पिक्चर अटैच करूँगी इनके बिफोर की, और ये इनकी 9 सिटिंग के बाद है, और साथ में अभी इनकी मेडिसिन जो है मतलब 2nd मंथ की अभी स्टार्ट हो रही है। तो पूनम इससे पहले आपने, आप बताओगे अपना एक्सपीरियंस, कितने पैसे खर्च किए और क्या क्या किया? मैंने मतलब 80-90 हज़ार रुपये खर्च कर दिए मैंने अपने ऊपर, लेकिन मेरे को कुछ भी फर्क कहीं भी नहीं लगा। मेरे को उन्होंने काफ़ी किया, मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगा। अच्छा ठीक है। तो आई होप कि आपने सबके रिव्यूज सुने होंगे, और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आएगा, मैम ये तो आपके उनके रिव्यूज दिए हैं जो ठीक हो चुके हैं, ऐसे भी तो पेशेंट होंगे जो ठीक नहीं हुए होंगे। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अगर मैं 1000 पेशेंट को देख रही हूँ, तो उसमें 1 से 2 पेशेंट है जिनकी बॉडी पे बहुत स्लो असर है। रीजन बहुत सारे, PRP करवा लिया, डर्मा रोलर करवा लिया, पीलिंग इतनी ज्यादा हो रखी है, केमिकल्स एक्सेस में यूज किए हैं। ऐसा नहीं कि उन लोगों में रिजल्ट नहीं है। मेरा एक और केस ऐसा है, शायद वो अगर वीडियो भी देख रहे होंगे उनको समझ आएगा कि उनकी बॉडी में 4 महीने कुछ भी रिजल्ट नहीं दिखा, कुछ भी नहीं। लेकिन मैंने उनको बोला था कि आप होप नहीं छोड़ना, क्योंकि रिजल्ट आएगा, बस थोड़ा सा सब्र रखना, और 5वां महीना कंप्लीट होता ही बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा, और अब वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप भी इन चीज़ों का हिस्सा बन सकते हैं। भरोसा रखिए, आप इंडिया में कहीं भी रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया कहीं भी रहते हैं, आप लोग हमारे हॉस्पिटल में विजिट कर सकते हैं, हम एकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं, आप नवारा ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे स्टे कर सकते हो अगर आपको कंफर्टेबल है।
और अगर आप ट्रीटमेंट ऑनलाइन भी मंगवाना चाहते हो तो आप काउंसलर से कंसल्ट करके, प्रिस्क्रिप्शन मैं करती हूँ, मतलब मेरी पूरी टीम है, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है इतने लोगों से कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ, हर केस को खुद देखती हूँ, उसके अकॉर्डिंगली प्रिस्क्राइब करती हूँ और आपके घर तक वो सर्विस अवेलेबल करवाती हूँ। तो उपासना की दुनिया को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से प्यार देते रहे। धन्यवाद।